हेलो एवरीवन अरिवन सेल्फ प्रमोद ढाका टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर तो डियर इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सेंट एग्जामिनेशन हरियाणा के लिए हो रहा है जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इस एग्जाम को करवाया है इसका ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का जो पेपर है वो अपन इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पेपर क्वेश्चन नंबर वन की बात करें कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मीटर्स

इट्स क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रेज इज थीटा सी करेक्ट रिलेशन इज कि ऐसा कुछ केस है कि ये ग्लास स्लैब है इसको वैक्यूम में अपन ने रखा है और इसमें से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे रिफ्रेक्शन के बाद इधर वाली साइड अपने पास दिस इज द स्लैब ये लाइट रे कहीं से आ रही है ठीक है अपन इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल पर क्या होता है कि लाइट रे आ तो डेंसर मीडियम से रही होती है जाती रेरर मीडियम में और उस पॉइंट पर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरल टू द इंटरफेस जाती है तो ये वाला एंगल अपने पास 90 यहां से अपन अप्लाई करें यदिंगल थी साइन नाइनटी अब साइन 90 अपने पास वन होता है तो साइन सी की वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज वन बाई व्यू वैसे भी बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ये लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एथिल लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इन एयर व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 बाय 3 इट्स फोकल लेंथ विल बिकम देखो लेंस मेकर फॉर्मूला अपने पास कि 1 f एफएल लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो होती है म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम माइनस वन साथ में वन अपॉन एन माइनस -1 अपॉन टू अब ये वाला फैक्टर तो दोनों में ही चेंज नहीं हो रहा पहले क्या है आपने इसको एयर में रख रखा है तब फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर म्यू लेंस 1.5 है फिर अपन ने इसको एक दूसरे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 तो जैसे अपन इसको लिखना चाहे देखो 1/f1 एयर वाली सो दिस विल बी 1.5 -1 1/r1 -1/r2 फिर दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो वन अपॉन एफ टू इज इक्व टू वन पॉइंट फाइव दैट इज थ्री बाई टू म्यू मीडियम कितना फोर बाई थ्री ऐसे लिख देंगे सजा के और इट इज वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ये अपने पास इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है जैसे ही मैं टू डिवाइडेड बाई वन लिखूंगा ना दस वैल्यू कम्स एज एफ टू बाई एफ वन सॉरी एफ वन डिवाइडेड बाई टू लिखने वाले है. एफ टू बाई एफ वन दिस वैल्यू इज वन पॉइंट फाइव माइनस वन दैट इज वन टू और ये वाला डाटा देखो नाइन बाई एट माइनस वन एट दैट इज वन बाई एट ये कैंसिल आउट हुआ फोर टाइम्स सो दिस वैल्यू कम्स एज फोर मतलब F2 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज कितना फोर एफ वन फोर एफ वन बोले तो फिफ्टीन इंटू फोर दैट इज सेंटीमीटर सो थर्ड वन इज करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव एक बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है

मतलब इसमें ये बोला गया है कि डायग्राम में है ना अपने को एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये तीन लेंस के पार्ट की तरह देखो जैसे ये वाला लेंस अलग है मतलब अलग मेटीरियल का है ये वाला अलग का और ये अलग मेटीरियल का इसका मतलब तीन लेंस अपन ने कंबाइन करके रखे हैं यदि अपन ने तीन लेंस कंबाइन करके रखे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्वियसली तीनों लेंस अपने अपने हिसाब से बनाएंगे तो फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस कि कोई बिंदु वस्तु इसके एक्स पर रखी जाए

अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल मतलब टू रूट आई रूट आई डिवाइडेड बाई टू रूट आई माइनस रूट आई और इसका क्या होल स्क्वायर ये डाटा मेरे पास आया थ्री रूट आई नीचे वाला रूट आई तो, तो रूट आई तो सही हो गया अब थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर बोला जाए तो कितना नाइन

तो पोलराइजेशन जो है वो उसके ट्रांसफर्स नेचर का प्रूफ है चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक इजी सा सा सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिनाटरफ्रेंस रिक्वायर टू सोर्सेज विच आर मतलब इंटरफ्रेंस के फिनोमिना को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दो सोर्सेज चाहिए होते हैं बहुत अच्छे से हमें पता है कि दोनों सोर्सेज जो होते हैं वो नेचर में कैसे होने चाहिए चाहिए तभी आंसर मतलब तभी होगा उनके बीच में तो फर्स्ट वन इस करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एलेवन। एलेवन में ये कहा गया है दो चार्ज पार्टिकल्स हैं क्यू और क्यू पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे पर F1 फोर्स लगा रहा है दूसरा पहले पर F2 फोर्स लगा रहा है तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं अपने को पता है और अपोजिट डायरेक्शन का लगाते हैं इसका मतलब एफ टू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वन चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट चार्ज चार्ज के बारे में क्या इनकरेक्ट है ये कुछ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है पहला बोला गया है चार्ज इज कंजर्व हमें पता है चार्ज कंजर्व होता है हमेशा दूसरा चार्ज इज क्वानाइज हमेशा होता है फोर्थ वाला जो चार्जेज एडिटिव इन नेचर मतलब जैसे अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट होते हैं क्यू वन क्यू टू क्यों थ्री क्यू फोर क्यू फाइव तो टोटल चार्ज होता है समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस थर्ड वाला जो है ना दैट इज द स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज चार्ज किसको बोला जाता है सबसे पहले तो स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यूबाईएम देखो क्यू जो है ना स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यूबाईएम क्यू जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता पर बॉडी का मास जो है वो रिलेटिविस्टिक मास नोट डिवाइडेड बाई डिपेंड करता है डिपेंड मतलब करता है कि बॉडी की स्पीड कितनी है सो थर्ड वन इज दी इनकरेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ट्वेल्थ के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन में कहा गया है फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रोस्टिक फील्ड लाइन के बारे में क्या करेक्ट है पहला दे नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर कि वो कंडक्टर से पास नहीं करती है? बिल्कुल सही बात है दे नेवर इंटरसेक्ट अदर बिल्कुल सही बात है फील्ड में इंटरसेक्शन हो गया तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आती है दो तीसरा दे नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन फॉर्म क्लोज लूप जैसा आपने ई एम आई में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा सो so, ये सारी की सारी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है इसके रिगार्डिंग सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर चलिए थर्टीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. 14 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि दैट टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर अदर बाय ए फोर्स ऑफ दिस व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस द फोर्स बिकम्स दिस द दिसलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल देखो हमें पता है कि जैसे ही अपन इंट्रोड्यूस करते हैं ना फोर्स जो होता है ना वो एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन साइल आर हो जाता है अब इसकी वैल्यू अपने को दी गई है कितनी 2.5 पॉइंट फाइव इंटू की पार माइनस फाइव और एफ की वैल्यू जो है वो है टेन की पार माइनस फोर तो डिवाइडेड मतलब आपके r की वैल्यू जो आएगी 10 की पार माइनस फोर तो सही दो वाला डाटा वन अपॉन जीरो लिख दो हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी बोला जाए तो एपसाइल आर सोल्व करने पर अपने पास कितना निकल के आएगा चार मतलब उस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होगा

ठीक है और इसके सेंटर पे चार्ज रख देते हैं बिल्कुल सेंटर पे तो टोटल फ्लक्स निकलता क्यूबाईलोट और हर एक फेस से निकलता क्यूबाई सिक्साइलनोट तो बाकी पांचों तो हटा दिए ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं किया तो इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा मतलब इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा दैट फ्लक्स विल बी क्यू बाई सिक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 के बाद एनर्जी 16, 16 देखो यदि दो चार्जेस q1 जैसे ये माइनस में है ये भी और ये भी माइनस q1 है तो यदि वो r सेपरेशन पर होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k q1 स्क्वायर बाय r आ जाएगी माइनस का साइन तो एडजस्ट हो गया अब एक दूसरे की तरफ लेकर आ रहे हो मीन यू आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस और आर में डिक्रीमेंट हुआ इंक्रीज सो सेकेंड वन इज 17. सेवनटीन में कहा गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है जिस पर टोटल चार्ज क्यू है रेडियस आर है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी तो हमें पता है इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो ऐसे दिया जाता है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज के मतलब इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ लीनियरली इंक्रीजिंग देन वन बाई आर स्क्वायर के साथ डिक्रीजिंग सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ाते हैं 17 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 में क्या कहा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल पी वैक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट सिक्सटी डिग्री फ्रॉम स्टेबल इक्विबिर पोजिशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विबिरियम पोजिशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से सिक्सटी डिग्री के एंगल पे रखा तो पर रखा गया है तो स्टेबल इक्विबिरियम से सिक्सटी पर रखा गया मतलब पी और ई e के बीच एंगल सिक्सटी का है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पीई कोस थीटा अब आपको यह बोला गया कि थीटा कितना डिग्री है 60 डालो cos 60 इज़ 1/2 तो पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम की निकल के आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ पीई बाय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19 कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन फिगर विल बी ए और बी के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये 2 और 2 दोनों किस में लगे हुए सीरीज में तो सीरीज में सी इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू तो आपने कहा टू इंटू टू अपॉन टू प्लस टू बोलो सही तो रिजल्टेंट निकल के आया वन मतलब ये डायग्राम इफेक्टिवली उसके बाद कुछ ऐसा बन चुका है उन दोनों टू के प्लेस पर अपन ने वन से रिप्लेस कर दिया अब देखो ये वन और वन पैरेलल में है क्या तो सी पैरेलल में इक्विवेलेंट c1 c2 1 1 कितना आएगा 2 अब जैसे ही ये 2 आया तो ये 2 और 2 वापस से किस में हो गए सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना आया 1 मतलब वापस से जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बन गई ये 1 और ये 1 ये दोनों वापस से किस में है पैरेलल में तो इक्विवेलेंट के टाइम दोनों में क्या होगा एडिशन तो 1 1 दैट डाटा इज 2 सो थर्ड वन इज दी करेक्ट आंसर चलिए सर 19 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोर होती है तो इलेक्ट्रिकल चलिए आगे बढ़ाते हैं ट्वेंटी के बाद नेक्स्ट वन में बोला गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटेन्स टू माइक्रोफेरेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ पांच माइक्रोफेरेट कि दो माइक्रोफेरेड के कितने कैपेसिटर्स लगाएं कि रिजल्टेंट फाइव माइक्रोफेरेड आए देखो बहुत सिंपल सा है अब आप कहोगे सर अप्रोच की तरफ कैसे बढ़ें? तो डियर टू रिजल्टेंट फाइव है टू से ज्यादा है मतलब एडिशन होगा टू में टू ऐड करते ही फोर यदि फोर में वन ऐड करते ही फाइव आ जाए मतलब इसके पैरेलल में एक और ब्रांच होनी चाहिए जिसका फाइव आए तो टू और टू यदि सीरीज में लगे तो कितना आएगा वन अभी सोल्व किया था अपन ने अपने टू इनका कितना वन तो टू प्लस टू प्लस वन दैट इज फाइव तो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटर्स इज कैपेसिटर चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में कहा जा रहा है इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यदि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं

कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो आपने और कुछ नहीं छेड़ा ना तो करंट की वैल्यू डेल्टा अपॉन होती है। आपने डबल किया, तो भी क्या हो गया डबल। और की एक और फॉर्मूला होता है एन ई ए वीडी करंट डबल दैट मीनस वीडी विल आल्सो गेट डबल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी डबल चलिए

रजिस्टर कैपिटल आर टू इज इंसर्टेड इन सीरीज विद आर वन द पावर रेजिस्टेंस है जनरेटर के साथ लगाया, तो इसमें कुछ पावर आएगा जैसे ही आपने इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते ही सर्किट का करंट डिक्रीज हो गया और करंट डिक्रीज हो गया तो आर वन से जो पावर पहले

ये वाला पॉइंट यहां से 30 सेंटीमीटर पर है और ये वाला पॉइंट यहां से 60 सेंटीमीटर पर है तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितने का हुआ 30 सेंटीमीटर का एंड वी कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट है 10 वोल्ट पर मीटर तो 30 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ बोले जी, 30 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सीधा सीधा 3 वोल्ट का हो गया हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर ना हंड्रेड सेंटीमीटर पे टेन वोल्ट तो थर्टी सेंटीमीटर पे थ्री तो थ्री वोल्ट इज दी करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ाते हैं, मीटर ब्रिज सेटअप विद रेजिस्टेंस की वैल्यू बतलानी है देखो अपन सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं 55 फाइव बाई आर नल डिफ्लेक्शन आ गया तो ये 20 तो इधर कितना बचा 100 ट्वेंटी दैट इज वॉट एटी तो बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज के बेसिस पे बात की जाए तो अपने पास इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है देखो ये सही तो, तो 55 55 में 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 220 so चलिए की बात करते हैं 28 के बाद 29. 29 में बोला जा रहा है फ्रॉम अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर करंट इज कैपिटल आई एक रिंग है कैपिटल आर रेडियस की उसमें से करंट कैपिटल आई जा रही मैग्नेटिक फील्ड बतलाना सेंटर में बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है क्या होता है थर्टी so में कहा गया है इफ करंट इज फास्ट इन ए स्प्रिंग वेट हेंग ऑन इट द स्प्रिंग देखो क्या होगा ऐसे सोचना अब क्या होगा ये दो वायर हैं हमें पता है कि यदि दो वायर्स पैरेलली रखे हों तो उनमें अट्रैक्शन होता है तो इन दोनों वायर्स में क्या होगा अट्रैक्शन यदि अट्रैक्शन होगा तो स्प्रिंग की लेंथ में क्या होगा कंप्रेशन तो अपन ये कहेंगे कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर चलिए सर आगे बात करते हैं थर्टी के बाद द नेक्स्ट वन इज थर्टी वन

इसको डाउनवर्ड रखना है तो मिडिल फिंगर द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो अपने पास निकल निकल कर आई आई? वो किधर के में चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 31 के बाद 32 32 में कहा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर तो पाथ कैसा होता है सर्कुलर तो सिंपल सा क्वेश्चन सेकंड वन इज दी करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ाते हैं 32 के बाद 33, 33 में कहा जा रहा है द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन अ बार मैग्नेट कि एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो कैसी होती है तो देखो अपने को पता है कि आउटसाइड में तो जैसे ये एस है ये एन है तो फील्ड लाइन्स ऐसी जाती है कुछ इस टाइप से मतलब ये फील्ड लाइंस आउटसाइड में तो एन से रोटेट करके एस की तरफ आती है और इनसाइड में ये किस, से किस की तरफ जाती हैं? तो इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेट. आर फ्रॉम पोल पोल ऑफ सो थर्ड वन मैगनेट करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ाते हैं मतलब होरिजोनल से बार मैग्नेट थर्टी डिग्री नीचे की तरफ रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एच देखो ये एच है ये थर्टी डिग्री है हमने कहा मान लो टोटल इंटेंसिटी बी है तो आप क्या कहोगे भाई कि थर्टी होता है रूट थ्री बाई टू तो आपके बी की वैल्यू जो निकल के आ रही है ना दैट वैल्यू इज कमिंग है कितना टू एच बाई रूट थ्री तो टोटल इंटेंसिटी विल बी टू एच बाई रूट थ्री चलिए आगे बढ़ाते हैं

मतलब एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आता है एक पर नेगेटिव आता है तो मुझे यह बतलाना कि कौन से एंड पर कौन सा चार्ज आएगा देखो इलेक्ट्रॉन पर यदि आप फोर्स की बात करो तो माइनस ऑफ ई वेलोसिटी आ गई वी आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी के कैप है अब देखो डियर आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे एक माइनस पहले से तो ये डाटा निकल के आ गया ई e, वी बी जे कैप मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ए की तरफ लग रहा है तो ए पर कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा नेगेटिव तो ए जो होगा थर्टी सेवन 37. 37 जो है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू अब देखो हम ये चाहते हैं कि करंट के थ्रू लॉस जो है ना वो कम से कम हो तो हम उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं लेमिनेटेड कोर्स लेते हैं मतलब one one. जैसे पहले एक लगा दिया फिर उसके बाद दूसरा उस पर लगा दिया फिर उसके बाद तीसरा लगा दिया फिर उसके बाद चौथा लगा दिया तो जो अपन कोर्स लेते हैं ना मतलब जो प्लेट्स लेते हैं वो लेमिनेटेड लेते हैं मतलब ऐसे बहुत सारी प्लेटें वन बाई वन लगा दी सो वी डिक्रीज द वॉल्यूम इन विच इससे होने वाले जो एडी करंट्स का लॉस है वी कैन कंट्रोल दैट लॉस

इसका मतलब डेल्टा फाई के प्लेस पर यदि मैं 0.4 डालता हूं तो डेल्टा आई के प्लेस पर मैं 2 रखूंगा तो यहां से सॉल्व करने पर जो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कमिंग एज व्हाट 0.2 हेनरी सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर चलिए 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 देखो 39 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सर्किट में केवल कैपेसिटर है तो अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच डिफरेंस कितना सी तो तो RL, इसमें अलग अलग बात होगी पर इसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ है? लगा हुआ है तो इस वाले केस में फेज डिफरेंस विल बी नाइन डिग्री चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं थर्टी नाइन के बाद 40 में बोला गया है कि वन वन ट्रू इन रेजोनेंस रेजोनेंस कंडीशन कंडीशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट की होती है 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 तो के के इक्वल होता है, के इक्वल होता है, current, होता है, uh, factor, होता होता करंट मैक्सिमम पावर फैक्टर अब देखो वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पाई टू नहीं कितना जीरो आंसर

तो ये करंट तो पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये जो करंट होती है ना जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर आती है दैट इज इज नोन एज करंट सो इस वाले केस में वन करेक्ट आंसर तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू की विच ऑफ विच ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन देखो हमें पता है कि बामर सीरीज जो होती है ना वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली किस में आती है विजिबल रीजन में आती है

ठीक है है अब यहां से आर 36. तो 36 आर. अब से की वैल्यू निकाल ये आएगा तो नोट जा रहा है कि सेकेंड से तो से से मतलब वन बाई फोर माइनस में वन बाई सिक्सटीन अब ये डाटा कितना थ्री बाई के प्लेस पर रख दो डाटा थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव लेमडा नोट और साथ में अपन ने रख दिया थ्री बाई सिक्सटीन ठीक है अब देखो कैंसिल आउट करें यदि तो ये डाटा अपने पास कुछ इस टाइप से कैंसिल आउट हो रहा है कि ये नाइन टाइम्स कैंसिल आउट हुआ ये फोर टाइम्स कैंसिल आउट हुआ सो दिस वैल्यू कम्स ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लेमडा नॉट दिस इज वन बाई लेमडा डैसडा डैश की वैल्यू यदि लिखना नॉट

तो इज़ करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 44 की बात 45, 45 में कुछ ऐसा बोला गया है कि मैंने मैटल तो अपन क्या करते हैं? देखो, e 5 EV कहते हैं इलेक्ट्रॉन अच्छा। स्टॉप्ड बाय ए स्टॉपिंग पोटेंशियल डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया

तो तो कितना बन बन गया गया बोलो सही। अब से जैसे ही अपन बात करेंगे, L और C के product में कोई चेंज नहीं हुआ तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें भी किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें नंबर फिफ्टी 50 में कुछ ऐसा कहा गया कि कि मैग्नेटिक फील्ड है 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 प्लेन वेव वेव का उसकी इक्वेशन आपको है आपको दी गई और ये कि ये आइडेंटिफाई करना किस टाइप की वेव है। देखो बहुत सिंपल सा अपन से चलते हैं तो है। मतलब ये डाटा फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस थ्री